नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज आपका सेकंड ग्रेड SST का एग्ज़ाम था, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन थे। आशा है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। देखिए, फिलोसॉफी की जो आंसर की है वो मैं अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, पहले ही आपके पेपर के आधा एक घंटे बाद में वो अपलोड कर दी थी। और बाकी जो क्वेश्चन है अब इनके भी आंसर की आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, पूरे 150 क्वेश्चन की। अगर देखिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, नो डाउट दो चार क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं पूरे पेपर में, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आपके पास प्रूफ है तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम और देख लेंगे, और अगर उसमें लगेगा कुछ करेक्शन वाला तो फिर आपको बता देंगे। तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से माइनस में कट कटा के, तो वो भी बताइएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी 14। इसका हो जाएगा 14। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1853। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावा। मित्रों, जीके वाले पेपर और इस SST के पेपर में भी हिस्ट्री जो है वो इन्होंने बहुत नॉर्मल पूछी है। तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तो इसका होगा 17 जून 1789, फर्स्ट होगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए होगा साके। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो 12 मार्च 1930, फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में एक तिहाई और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? अकबर नहीं है इसका। इसका राइट आंसर होगा सांझा। मनसबदारी व्यवस्था का जो 1/3 और 1/4 का जो नियम है ये किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां, 7th का है, थर्ड। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु थे तो कौन थे? रामानंद जी, 8th का, सेकंड। नेक्स्ट है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1776। ये तो जो क्रांति वाले वीडियो बनाए थे आपके, अमेरिका वाले और फ्रांस वाले, ये जो फ्रांस वाला उसमें से मिल गया था, और ये अमेरिका का है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे क्षत्रिय। खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? इसका है निकोलस सेकंड, ये होगा सेकंड। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। नेक्स्ट है, यूनानी नाम अमित्राचेट किस मौर्य शासक का समानार्थी है? बिंदुसार। नेक्स्ट है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1575। मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा? इसका राइट आंसर होगा 1664। लोथल को किसने खोजा? SR राव, थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट है, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख के चेक की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनदास गांधी, सेकंड होगा इसका। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही पहला ही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, WC बनर्जी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? उदयपुर, 20वें का होगा सेकंड, ये होगा उदयपुर। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार दीपीय चापों तथा दीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है? तो इसका होगा, पहला ही सही है इसका, ये इसका 4th है,
महासागरीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। 21वां का राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुव देशांतर है, तो इसका हो जाएगा 105 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट है, छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर अपवाह का, थर्ड होगा इसका। भारत में वर्षा की परिवर्तिता न्यूनतम पाई जाती है, 24वां का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, ये फर्स्ट होगा इसका 24 का। नेक्स्ट है, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, तो 25 का होगा ताजागिरी बर्फ। नेक्स्ट है, सुमेलित करने हैं, एक तरफ खनिज हैं और एक तरफ इनके उत्पादक जिले हैं, तो राजस्थान के खनिजों में से है पायराइट, बेंडोनाइट, लिथियम, स्लेट पत्थर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और अजमेर। तो आपको मिला ना इसका क्या होगा, पायराइट जो है ये कहाँ से है, सीकर, और जो बेंडोनाइट है बाड़मेर, बीकानेर, लिथियम, अजमेर और स्लेट पत्थर अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, इसका ए होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है ये देखना आपको। तो इसका राइट आंसर है कैनिली हैवीसाइड परत जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, एस्तनोस्फीयर आंशिक पिघली अवस्था में है, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, डी तो गलती हो गया, और ए बी सी जो है वो इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए बी सी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा यानी जालोर पाली तथा नागौर, ये इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए आप क्या होगा, इसमें सही का चयन करना है, सनातनी पवने, समुद्र जल के तापमान में अंतर, समुद्र जल की लवणता में अंतर, पृथ्वी का परिक्रमण, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा सेकंड, ए ब और से। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है, तो 31 का इसका जो है कुबड़ा, उबड़ा, गिप्स, इसका थर्ड होगा राइट। नेक्स्ट है, भारत में लाख का प्रधान या मुख्य उत्पादक राज्य है, तो इसका हो जाएगा झारखंड, 32 का फोर झारखंड, 33 है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, एक तरफ जलयान निर्माण उद्योग है और एक तरफ है इनकी अवस्थिति, तो इसके मंजगांव गांव जो है ये मंजगांव वाला मारमा गांव ये सुमेलित नहीं है, तो ये इसका रोंग हो जाएगा, तो थर्ड इसमें राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा फेरल के नियमानुसार पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर की विक्षेपित हो जाती है, थर्ड हो जाएगा इसका 34 का थर्ड। उसके बाद में है टूजो विल्सन का उष्ण स्थलीय सिद्धांत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, इसमें कौन सा राइट आंसर है, केवल ए और सी, ये दो सही हैं, बाकी जो है वो इसमें रोंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और सी। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा
बांडी बेडच, ये हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, बाकी इसमें सही है। नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र अवस्थित है, 38 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार में, पाट क्षेत्र अवस्थित है। किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या होगा, 39 का वस्तु की कीमत। नेक्स्ट है, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है तो इसका होगा न्यूनतम उधार दरें। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है? तो इसका राइट आंसर होगा NSSO। ये क्वेश्चन आपसे जो टेस्ट पेपर लिया था उसमें से दो तीन चार क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स वाले, जो टेस्ट पेपर लिया था इसमें SST वाला, 41 का हो जाएगा फर्स्ट NSSO। नेक्स्ट है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है तो इसका होगा बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, इसका हो जाएगा सेकंड। बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, यही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। मित्रों ये तो एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के कम से कम तीन चार क्वेश्चन आपके इसमें हैं जो कि आपसे SST वाले टेस्ट पेपर में पूछे थे। इसका फर्स्ट होगा, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका होगा मूल्य ह्रास। फोर्थ, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगार। नेक्स्ट है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, ये हो जाएगा सेकंड। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1991। निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है तो इसका हो जाएगा थर्ड, वे परस्पर समानांतर होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? कैलोरी उपभोग। फोर्थ होगा इसका कैलोरी उपभोग। नेक्स्ट है, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है? इसका होगा अधिकतम। भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है 2015 से 20। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है, समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है तो इसका हो जाएगा मांग का विस्तार। फर्स्ट, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? पीसी महलनोबिस। फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, विनिमय का माध्यम। फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? तो इसका हो जाएगा MRS XY, PX/PY, इसका फर्स्ट ही सही है, यही सही होगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? आशियान। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतर स्थापित किया गया? क्या संघ के मंत्रिमंडल, तो इसका हो जाएगा 44वां संशोधन, थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये केवल फर्स्ट सही है। 60 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही है इसका।
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानिए। तो ये तो सिंपल सा है, राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये गलत हो गया, तो ये राइट हो जाएगा। फोर्थ, कौन लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थक है? रूसो। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम है? ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये तो पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंबन तोता बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, इसका मान के राजनीति सिद्धांत का विकास, ये थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना हारेंट, थर्ड होगा। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लिखित नहीं है? तो उद्देशिका तो आपको याद ही होगी, उसमें समाजवादी, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, ये सब आते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का क्या हो जाएगा, संसदीय, सेकंड हो जाएगा संसदीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है? इसका होगा महिला सशक्तिकरण समिति। नेक्स्ट है, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? इसका हो जाएगा मिंदरवा मिल्स वाद 1980, थर्ड होगा इसका। राज्य की नीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संशोधन संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित नहीं किया गया है? तो राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। किस राज्य की राजनीतिक वोकालिका लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तो इसका होगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सेकंड होगा 71 का। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम क्या है? इसका होगा आंतरिक शिकायत समिति, 72 का थर्ड है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर इसको मिलान करना है इसमें। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। मेनका गांधी वाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की संचित पर उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ या नहीं। फिर थर्ड है, संविधान संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। और फोर्थ है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। तो सही कथनों को पहचानिए, इसका जो राइट आंसर है वो पहला और सेकंड इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये होगा इसमें केवल एक और दो ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो 74 का क्या हो जाएगा इसमें, प्रत्यक्षवाद, शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है सत्ता। नेक्स्ट है, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पर विस्तार। तो इसका हो जाएगा असम, मेघालय, तमिलनाडु, सेकंड होगा इसका। समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, परिभाषित किसने किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 77 का हो जाएगा, F.H. गिडिंग्स, फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये तो काफी फेमस है, हर बार इस पर काफी मनाया भी जाता है ये सरकार के द्वारा, 1 दिसंबर है। किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? यह है टी.के. उमन, प्रिंसिपल ऑफ
सोशियोलॉजी, पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ये तो बहुत सिंपल सामान्य सा क्वेश्चन है, ये समाजशास्त्र के टॉपिक में भी आता है और फिलोसॉफी में भी आता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, संस्कार नहीं है कोई, तो राइट आंसर सेकंड होगा। कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा पेरेटो। जाति एक बंद वर्ग है, तो बहुत फेमस है मजुमदार एवं मदन। नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम और एक तरफ है लेखक, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? प्रभु की। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है कपाड़िया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये है वेस्टमार्क। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये है इरावती कर्वे। इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? तो क्या होगा इसमें, कौन सा नहीं दर्शाता है? सामाजिक व्यवस्था का सुधार, सेकंड होगा इसका, सामाजिक व्यवस्था का सुधार। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा भूमिका संघर्ष। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? इसका हो जाएगा गुनार मिडाल, सेकंड होगा। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? इसका हो जाएगा फोर्थ, ओगबर्न और निमकोफ। कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धर्म होगा इसमें, धर्म। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? अगस्त कॉम्टे। प्राथमिक समूह के में सामाजिक संबंधों का अर्थ है, तो संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं, फोर्थ होगा इसका। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बोगार्ड्स, फोर्थ होगा। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, शिक्षा। नेक्स्ट है, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं, तो इसका क्या होगा, उत्तरदायी होते हैं, निर्माण के लिए नहीं होते, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एलडी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? इसका होगा एकीकृत, फर्स्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट होगा एकीकृत। कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ये एक तरफ विचारक हैं और एक तरफ है इनके विचारणा, तो इसमें क्या होगा, एक ये सही है, इसमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लूथर गुल्लिका क्या है, पोस्ट कोरब है, और ए में किसी भी उसमें केवल एक में ही है जिसमें इसका फर्स्ट है, बाकी किसी में नहीं, तो यही हो जाएगा, इसका फर्स्ट ही राइट होगा। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त तो विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति सम्मिलित है, तो अब कौन है इसमें, चयन समिति सम्मिलित है, सेकंड होगा इसका, एक तीन चार, एक तीन चार, ये राज्यसभा के सभापति नहीं है, इनको छोड़ के बाकी तीनों सही हैं, तो इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं? मनोबल। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि, इसका फोर्थ ही होगा, उसने लोक प्रशासन को पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है, किसकी बात करेगा मानव संबंध,
लोगों पर, संरचना पर, अनौपचारिक समूह पर और संगठन के सिद्धांतों पर। तो 103 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोगों पर और अनौपचारिक समूहों पर। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, 1 और 4। ये तो हमने पढ़े भी हैं, जो लोक प्रशासन के 3-4 वीडियो हैं उनमें से आप काफी कुछ क्वेश्चन है इसमें रिपीट हो रहे हैं। सेकंड हो जाएगा इसका 1 और 4। नेक्स्ट है, किसने भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? इसका हो जाएगा बर्नार्ड। लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतया, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में? समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो इस 107 का राइट आंसर हो जाएगा 2005। हर्जबर्ग के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अभिप्रेरक हैं? वेतन, पहचान, उत्तरदायित्व, कार्य दशाएं और उपलब्धि। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड, थर्ड और फाइव, 2, 3, 5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये होगा इसका 2, 3, 5। परिवर्णी शब्द पोस्ट कार्बन में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश और निर्देश जारी करना है? इसका हो जाएगा डी, ये 109 का थर्ड। नेक्स्ट है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है 1, 2, 3, 4। शास्त्रीय सिद्धांत में शुरू वाले चारों सही हैं, 1, 2, 3, 4। इसका फोर्थ होगा, ये शुरू वाले जो चारों हैं वो इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? अंगूठे का नियम और मानसिक क्रांति। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा सेवा अनुबंध के आधार पर। नेक्स्ट है, एक जिलाधीश मूलतः होता है एक सामान्य अधिकारी, एक सामान्य अधिकारी, फर्स्ट हो जाएगा। ये फिलोसॉफी के क्वेश्चन है जो कि अब हैं, और फिलोसॉफी के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि इसमें और बता देता हूँ साथ में। डेकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के दो सोर्स हैं, सहज ज्ञान और निगमन, सेकेंड होगा। बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है, थर्ड होगा दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट है, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया है? वैश्वानर। सही युग्म का चयन कीजिए, बैंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद, थर्ड होगा। नेक्स्ट है, जैन दर्शन में पंच महावर्त है, सत्य, अहिंसा, अस्थाई, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट होगा सत्य, तथ्यों का प्रत्यक्ष है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा इस थर्ड ऑप्शन वाले में डाउट हो सकता है कि अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, और एक तरफ फोर्थ में लिख रखा है अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है, तो दोनों में लगता है कि दोनों में से कोई एक सही होगा, लेकिन पहला जो ऑप्शन है ये पूरी तरह ही गलत है, तो इस ऑप्शन के रहते हम थर्ड को सही नहीं कर सकते। तो इनको देखते हुए जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो इसमें जो राइट है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सेकेंड होगा। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, नास्तीय सूक्त में। नेक्स्ट है, सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, डी होगा। नेक्स्ट है, नैतिकता निम्न में से उत्तरदायी नहीं है अनैच्छिक कर्मों के लिए। नेक्स्ट है, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? सुधारवादी। परम पुरुषार्थ है मोक्ष। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है कौन सफलता और असफलता में समभाव रखता है? किस देवता को ऋत का संरक्षक माना गया है? वरुण देव को। यह मिलान करना था, इसमें राइट आंसर होगा सेकंड। स्थूल उपयोगितावाद बेंथम का है, सुसंस्कृत उपयोगितावाद मील का, मुख्य सद्गुण प्लेटो और निरपेक्ष आदेश है कांट का।
तो इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत क्या है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। प्लेटो को स्वीकार्य है इसका होगा मुख्य सद्गुण थर्ड। नेक्स्ट है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना तो क्या होगा, साधन के रूप में फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर है फर्स्ट, साधन के रूप में। 132 है, शिक्षा में परियोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका होगा करके सीखना स्थायी होता है। 132 का है फोर्थ, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 133 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन सेकंड होगा। सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसका होगा फोर्थ, व्याख्यान विधि। NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसमें सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। जॉन डीवी के द्वारा किए गए परावर्तक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभ। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम मॉरिसन उपागम में समान है, तो इसका क्या होगा, सामान्यीकरण होगा फोर्थ, सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह, तो इसका क्या होगा, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखें। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, सभी विकल्प सही हैं, इसका फोर्थ होगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, शिक्षण में निर्देशन परामर्श परीक्षा सभी है सही है इसमें। सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है समाज से, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए, इसका होगा विद्यार्थी प्रधान थर्ड होगा इसका, विद्यार्थी प्रधान। ये तो कई क्वेश्चन आपके आए हैं जो टेस्ट पेपर में SST वाले, मुझे याद आ रहा है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि किसके लिए होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, थर्ड है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका क्या होगा, पोस्ट प्रक्षेपी सामग्री है। 143 का फर्स्ट हो जाएगा जो कि सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक गुणों का विकास करना, किसी भी विषय को अन्य विषयों से सहज संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि अधिगम में स्थायित्व तो आता है, थर्ड होगा इसका। उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रशंसा, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सामाजिक ये समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास होता है, फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता, इसका फोर्थ होगा। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी। तो मित्रों, ये आपके 150 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट होते हैं, और इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, ऑथेंटिक प्रमाण हो, या जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मेरे से कोई स्लिप हो गया हो, जैसे बोलने में एक ही जगह बी या ध्यान नहीं रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। बाकी जो लमसम जो एवरेज जो है आंसर की है वो आपके सामने है, दो चार क्वेश्चनों में कोई फ़र्क हो तो हो जाए, बाकी यही है। और इसके अलावा देखिए जीके के भी की अपलोड करती है, उस जीके वाले में एक क्वेश्चन में आंसर चेंज है, वो आप ध्यान रखिएगा। जो मुकुंदरा हिल्स वाला क्वेश्चन था तो उसमें जो जिले हैं उसमें कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, वो वाला ऑप्शन उसमें राइट है, जो आपको आंसर की अपलोड की थी उस आंसर की मैं दूसरा बता दिया था, ये वाला सही है, उसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। तो आप कमेंट करके बताइए आपके कितने के जो आंसर हैं क्वेश्चन आंसर वो इसमें सही हो रहे हैं। और पेपर देखिए एवरेज पेपर है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा ईजी, एक अच्छा पेपर है, एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट को इसमें बहुत बेनिफिट है, और समझ के क्वेश्चन कहीं ज़्यादा हैं। जैसा अगर हम
ये इनकी बात करें शिक्षण विधियों की, तो ये समझ पर है, अगर आपने सामान्य, अगर अच्छा विवेक, अच्छी समझ है, तो भी आपका, आप इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो मित्रों आपको शुभकामनाएं, और कितने एवरेज इसमें होने चाहिए, कितने सही होने चाहिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।